स्फाटिकमालिकां विदधते पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा येनाक्षरसमाम्नाय मदीयाम्या महेश्वरा कृष्णां व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः ओम शांति शांति शांति। तत्पुरुष समास है। याया अधर्चाह पुंसी च। तो अर्धर्चादी गण है, उसमें जो लिंग होता है वो पुलिंग में होता है और नपुंसक में भी होता है, ठीक है। जैसे आ गया अर्धर्चह, ऋचह अर्धम इति अर्धर्च, म्यूट करिए। सो किस सूत्र समास हो रहा है? अर्धम नपुंसकम, अर्धम नपुंसकम से समास हो रहा है, ठीक है। जो पुलिंग हो जाएगा, कौन सा लिंग प्राप्त था? स्त्रीलिंग प्राप्त था, क्योंकि रिच शब्द स्त्रीलिंग होता है, समझ में ना, इसलिए स्त्रीलिंग नहीं होगा, पुलिंग होगा, नहीं तो नपुंसक होगा। पहले पुलिंग जब हो गया तो अर्धर्चह बनेगा, और नपुंसक जब हो जाएगा तो अर्धर्चम बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये वार्तिक आया, ठीक बेटो, सामान्य नपुंसकम ये भी आया वार्तिक है। तो ये कहता है कि जहाँ पर लिंग विशेष का भान नहीं होता है, पुलिंग में है कि स्त्रीलिंग में है कि नपुंसक में है ना, जहाँ पर जिस शब्द में लिंग का विशेष भान नहीं हो, तो वहाँ पर उसको कहेंगे सामान्य। ऐसे सामान्य में क्या लिंग होगा? नपुंसकम। क्या होगा? नपुंसक होगा, समझ में। व्यवहार में कहते हैं हैं भाई, क्या पुत्र हुआ कि पुत्री हुई, बोलते हैं ना। तो वहाँ पर किस लिंग का प्रयोग करोगे शब्द में? नपुंसक, क्योंकि लिंग का विशेष भान तो हुआ नहीं, है कि नहीं। पूछने वाला सर्वज्ञ तो है ही नहीं, और जानता है तो क्यों पूछेगा, है कि नहीं। तो वहाँ पर क्या कहना होगा? किम जातम, किम अभूत, किम जातम, क्या हुआ, ये बोलेंगे कि नहीं? व्यवहार में भी हम देखते हैं, है कि नहीं। तो ये बोलते हैं, इसलिए हैं कि मुक्तवान, आपने क्या कहा, है कि नहीं। किम मुक्तवान, क्या कहा आपने। भवान किम बदती, आप क्या कहते हैं। वहाँ पर किम, देखो किम शब्द का नपुंसक हुआ, किम कह नहीं होगा, आ समझ में, ठीक है। चलो जैसे यहाँ पर आया मृदु पचती, क्या आया? मृदु पचती, हाँ, इसके ऊपर मृदु पचती हम कल बता रहे थे। पच धातु क्रिया है, क्रिया का दो अर्थ है, फल और व्यापार, फल और व्यापार होता है, ठीक है ना। तो पच धातु का जो व्यापार है, व्यापार जिसके लिए होता है उसको कहते हैं फल, उसको कहते हैं फल। तो जो प्रयत्न हो रहा है वो तो व्यापार हुआ, जैसे हाथ चलाना, करछी चलाना, ये सब व्यापार हुआ कि नहीं हुआ। व्यापार का प्रयोजन क्या है? फल। फल कौन सा फल है? विकृति, चावल में विकृति आएगी, है कि नहीं। विकृति जिसमें होती है उसको कहते हैं कर्म कारक, क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं, समझ में आया कि नहीं। विकृति का आश्रय क्या है? व्यापार,
विकलित का आश्रय ओदन, ओदनम पचति है कि नहीं। विकलित किसमें हो रही है? ओदन में हो रही है कि नहीं। हाँ, उसका आश्रय हो गया ओदन, विकलित का आश्रय ओदन हो गया, ओदन को कहते हैं कर्म कारक। आगे समझ में ठीक है? हाँ, इसलिए यहाँ पर जो मृदु है ये हो जाएगा क्रिया का विशेषण हो जाएगा। इसलिए क्या होगा? क्रिया का विशेषण होता है, सुनते हो ना? क्रिया का जो आपका फल है उसके साथ संबंध होता है विशेषण का। क्या? हाँ, इन्हें मृदु है, मृदु विशेषण होता है, इसलिए मृदु का संबंध होता है कहें जो क्रिया का जो क्या बोलते हैं फल है, फल हो गया विकृति है, उसके साथ संबंध मृदु का होता है कि नहीं। इसलिए मृदु में द्वितीयांत होता है, इसलिए नियम होता है क्रिया का विशेषण जो भी होता है हैं, वो द्वितीयांत होता है। लिखो, क्रिया का विशेषण जो होता है वो द्वितीयांत होता है। हाँ, क्योंकि कर्म कारक होता है वो। हाँ, लिखा क्रिया विशेषाणाम कर्मत्वम। लिखो, क्रिया विशेषणा विशेषणानाम, ऐसे लिखो, क्रिया विशेषणानाम कर्मत्वम क्लीवताम च इष्यते, क्लीवताम च इष्यते। मतलब क्रिया का विशेषण क्या हुआ? नहीं लिखा हमने क्रिया विशेषणानाम कर्मत्वम नपुंसक क्लीवताम च इष्यते, कर्मत्वम क्लीवताम च इष्यते। मतलब क्रिया का विशेषण वो कर्म होता है, ठीक है, और क्या होता है? क्लीवा, नपुंसक लिंग वाला होता है। कर्म कारक जब होगा तो कर्मणि द्वितीय से क्या हो जाएगी? द्वितीय हो जाएगी। आसन में क्या हो जाएगी? द्वितीय। इसलिए यहाँ पर जो मृदु है एक क्रिया का विशेषण है, कोमल बना रहा है, कोमल पका रहा है, नरम पका रहा है। कोई भी कच्चा बनाते है कि नहीं, किसी भी जो कच्चा अच्छा लगता है, ऐसे भी होते कि नहीं, कच्चा कच्चा बनाते हैं भोजन, है ना? ये बोलता है कि नहीं कच्चा नहीं नरम पकाता है, तो मृदु हो गया क्रिया का विशेषण। किसका विशेषण हुआ? पचन रूपी जो क्रिया है, ये क्रिया का विशेषण हो गया मृदु। तो कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। ये कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी, ऐसे में। और कौन सा लिंग होगा? नपुंसक हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मृदु। मृदु क्या है? नपुंसक है, नपुंसक लिंग में हुआ और द्वितीय का एक वचन हुआ, इसलिए मृदु। आया समझ में कि नहीं आया? जैसे देखो कोई अच्छा पढ़ रहा है, क्या कहेंगे? अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, या अच्छा विशेषण हुआ कि नहीं क्रिया का? उसमें क्या लिंग होगा? नपुंसक लिंग होगा। और कौन है? और कर्म कारक हो जाएगा, और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? कर्मत्वम, ठीक है। शोभनम पठति देवदत्त, शोभनम पठति, क्या बनेगा? शोभनम पठति, हो गया। चलो, उसके बाद इसी ठीक इसी प्रकार प्रातः कमनीयम, क्या कह दिया? प्रातः काल में बड़ा सुंदर होता है, प्रातः काल अच्छा होता है कि नहीं बताओ? लेकिन प्रातः तो ये तो अव्यय पद है, प्रातः प्रातर होता है ना, रेफांत तो होता है प्रातर, रेफो को विसर्ग हो गया तो प्रातः हो गया। प्रातः काल जो है बड़ा सुंदर होता है, कमनीयम, बताओ कितनी आवाज हो रही है बाहर में? शादी नहीं होगी मेरे ख्याल से, भागवत वगैरह करते होंगे।
किम जातम, मतलब उसका क्या हुआ, तस्याः किम जातम, ठीक है। हाँ सुनते है कि नहीं, पुत्र्याः किम जातम, पुत्री का क्या हुआ, पुत्री का क्या हुआ, क्या मतलब बालक हुआ, पुत्र हुआ कि पुत्री हुई, नहीं पता है। तो किम किसका प्रयोग करेंगे, किम नपुंसक लिंग हुआ, हाँ किम होगा, किम जाता क्या हुआ, कहा जाता है, नहीं कह नहीं होगा, है कि नहीं, हो गया यहाँ तक। इति तत्पुरुषः, तो तत्पुरुष का विचार हो गया नारायण, किसका विचार हुआ, तत्पुरुष का। हाँ जो समझ में नहीं आया होगा आप लोग पूछ लीजिएगा सूत्र, दो दो क्लास ले रहे हैं, पीछे वाली ले रहे ना, हाँ समझ में आ जाएगा फिर, ठीक है। कहाँ तक हुआ ये, तत्पुरुष हो गया, अब आ गया बहुव्रीहि, अथ बहुव्रीहि, बोलो अथ बहुव्रीहि, अब बहुव्रीहि समास का प्रारंभ होता है। बहुव्रीहि समास में जो है ये बड़ा महत्व का है, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास इसका ज्यादा प्रयोग होता है, बहुव्रीहि समास का और तत्पुरुष का, है ना। देखो अब अधिकार सूत्र आ रहा है, किसका आ रहा है, अधिकार सूत्र भी कह लो, संज्ञा सूत्र भी कह लो, है ना। कहते हैं शेषो बहुव्रीहि, शेषो बहुव्रीहि, शेषो बहुव्रीहि, शेषो बहुव्रीहि, दो पद हो गया, शेषः और बहुव्रीहि, ठीक है नारायण। तो शेषो बहुव्रीहि कहते हैं अधिकारो अयम प्राग द्वंद्वात्। देखो यहाँ पर कह रहे हो शेष मतलब क्या होता जानते हैं, शिष्यते इति शेष, जो बज गया उसको बोलते हैं शेष, जिसको नहीं कहा गया, क्या जिसको नहीं कहा, हाँ जिसको नहीं कहा गया है, ये तो आगे समझेंगे, चिंता ना करो सब बताएंगे है। तो भाई देखो ये कहाँ तक इसका अधिकार जाएगा, बोले दंदात, चार थे दंद, एक सूत्र है दंद समास निकालो, कब बताते हैं आपको, दंद समास निकालो, पहला सूत्र क्या है, चार थे दंद, दो दो उन्तीस, उससे पहले तक मतलब कहाँ तक जाएगा, अट्ठाईस तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, कहाँ से कहाँ तक हुआ, दो दो तेईस, दो दो तेईस से दो दो अट्ठाईस तक जाएगा, है ना। इसलिए कितना सूत्र हो गए मालूम है, चौबीस चले लो, चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस, कितना सूत्र हो गए, पांच सूत्र, पांच सूत्र से होने वाला समास को क्या कहेंगे, बहुव्रीहि, क्या कहेंगे, बहुव्रीहि कहेंगे, इतना आया समझ में, हो गया ना, हाँ पांच सूत्र, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कह दिया शेषः, क्या कह दिया, शेषः मतलब क्या, देखो तो समास तो होता है सुबंत में, क्या होता है, सुबंत में होता है, सुनते हो है ना, लेकिन कौन सा सुबंत में, ये तो नहीं कहा, ये तो नहीं कहा ना। देखो पहले जो कहा गया ना, ये जल्दी समझ में नहीं आता है, हैं कहीं जो है द्वितीयांत को लेकर के कहा गया समास, द्वितीयांत द्वितीय शब्द का प्रयोग करके, जैसे बोलो द्वितीय सीता तीत पतित गता तस्य प्राप्त पर नहीं, वो समास कौन सा हुआ, तत्पुरुष हो गया। कहीं कहीं तृतीय शब्द से कहा गया, जैसे बोलो तृतीया तत्कृतार्थे न गुणवचन, कहीं कहीं चतुर्थी, कहीं कहीं पंचमी, कहीं कहीं षष्ठी, कहीं कहीं सप्तमी, ये कहा गया है। कौन नहीं कहा गया, प्रथमांत नहीं कहा गया, प्रथमा कह करके कहीं समास का विधान नहीं कहा गया, आ गया कि नहीं, इसलिए प्रथमांत सुवंत को लेकर के समास होता है, कौन सा समास, बहुव्रीहि, कौन सा होता है, बहुव्रीहि, ये होता है, आ गया समझ में कि नहीं।
इसलिए यहाँ पर प्रथमांत से ही प्रथमांत सुबंत में समास होगा। कौन सा समास होगा? बोवरी समास होगा। आया समझ में? हाँ, इसलिए सूत्र का अर्थ थोड़ा लिख लो तब आपको समझ में आएगा। हैं? द्वितीया इत्यादि, द्वितीया इत्यादि, द्वितीया इत्यादि शब्द का उच्चारण करके, शब्द का उच्चारण करके समास कहे गए हैं। समास कहे गए हैं तत्पुरुष इत्यादि। ठीक है ना? तत्पुरुष इत्यादि, हाँ इत्यादि, जहाँ पर द्वितीया इत्यादि शब्द से नहीं कहा गया है। द्वितीया शब्द इत्यादि से नहीं कहा गया, द्वितीयादि शब्द से नहीं कहा गया। शब्द से नहीं कहा गया है, नहीं कहा। ये द्वितीय आदि बोल दिया, प्रथमा लिखो, लिख लो प्रथमा, मेरा गलती गलती बोल दिया। क्या लिखा है? प्रथमा शब्द से नहीं कहा गया, प्रथमा शब्द से नहीं कहा गया। ठीक है, इसलिए प्रथमांत, इसलिए ऐसा लिखे, इसलिए शेष शब्द का अर्थ प्रथमांत है, इसलिए शेष शब्द का अर्थ प्रथमांत है, प्रथमांत है। ठीक है भाई, हाँ है ना, इसलिए प्रथमांत सुबंत में बहुव्रीहि समास होगा। प्रथमांत सुबंत में बहुव्रीहि समास होगा। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? प्रथमा सुबंत नहीं कहा गया है वहां पर, ऐसे कहा प्रथमा सुबंत नहीं कहा गया है, प्रथमा सुबंत नहीं कहा गया है, इसलिए शेष शब्द का अर्थ प्रथमांत है। हो गया, इसलिए बहुव्रीहि समास कहां पर होगा? प्रथमांत सुबंत में होगा। कहां पर होगा? प्रथमांत सुबंत में होगा। ठीक है, तो यह सूत्र क्या हुआ? अधिकार भी है और ये संज्ञा भी है। ठीक है, तो कितने सूत्र में बहुव्रीहि समास होता है? पांच। पांच में से एक सूत्र को लिया यहाँ पर लघु सिद्धांत कुमुदी में, ये सूत्र आ रहा है, अनेक मन्य पदार्थे, अनेक मन्य पदार्थे, अनेक मन्य पदार्थे, दो पद है भैया, अनेकम अन्य पदार्थे, अनेकम अन्य पदार्थे, दो शब्द हो गया। पहला हो गया शब्द कौन? अनेकम, क्या कहा? न एकम इति अनेकम, न तत्पुरुष समास हुआ, न एकम इति अनेकम, मतलब क्या हुआ? एक से अधिक पद हो, क्या एक से अधिक पद हो, चाहे दो पद हो चाहे तीन पद हो, वहां पर ही बहुव्रीहि समास हो जाएगा। एक पद में नहीं, दो पद हो चाहे तीन पद हो, सुनते हैं कि नहीं? इसी का नाम क्या है? अनेकम। कितने पदों में बहुव्रीहि समास होगा? दो पद में होगा कि तीन पद में होगा? चाहे दो पद हो चाहे तीन पद हो, ऐसा नियम नहीं कि दो पद में ही होगा। इसको कहते हैं अनेकम। चार नंबर टिप्पणी में दे दिया है, इस चार नंबर, ये कहाँ लिखा है? चार नंबर क्यों लिख दिया है? चार नंबर दिया है, एक पांच नंबर, ये टिप्पणी किसके ऊपर है?
चार नंबर है ये। लिंग विशेष अवयोक्षायाम नपुंसकम एव प्रोक्तव्यम। ये तीन नंबर, ये तीन नंबर, चार नंबर, हाँ तो ऐसा ले लो। अनेकम जो नपुंसक कहा ना, इसके ऊपर चलो बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अनेकम का अर्थ कह दे, अनेकम प्रथमांतम, बोलो अनेकम प्रथमांतम, अन्यस्य पदस्य अर्थे वर्तमानं वा समस्यते, वर्तमानं वा समस्यते, स बहुव्रीहो, स बहुव्रीहो। देखो सूत्र में पहला पद क्या है, अनेकम, मतलब अनेकम सुबंतम, अनेकम सुबंतम, उसका समास होगा कौन सा होगा, बहुव्रीही। अनुवृत्ति आ गई ना, किससे, ऊपर सूत्र से, शेषो बहुव्री का अनुवर्तन यहाँ पर हुआ, हुआ है। और विभाषा का भी अनुवृत्ति आती है, किसकी, विभाषा, विकल्प से होता है बहुव्री समा, सुनते हो भाई। दूसरा पद क्या है, अन्य पदार्थे, सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन, देखो वृत्ति में दे दिया, अन्यस्य पदस्य अर्थे, है ना। हाँ पहले अन्य पद, अन्य पद इति अन्य पद, क्या समास हुआ, कर्मधारय, सुनते, अन्यम पदम, अन्यम, अन्यम च तत्पदम इति अन्य पदम, अन्यत, अन्यत होगा, अन्यत च तत्पदम इति अन्य पदम, ऐसा दिया है, ऐसा होता है, अन्य का अन्यत होता है ना, अन्यत च तत्पदम इति अन्य पदम, और अन्य पदस्य अर्थ इति अन्य पदार्थ, सुनते हैं ना, अन्य पद का अर्थ क्या है, अन्य पद का अर्थ, सुनते हो ना। सूत्र में जो समास हो रहा है वो तो प्रथमांत को लेकर हो रहा है, क्या है, प्रथमांत को, हाँ जैसे ले लो पीताम्बर ले लो, क्या है, पीताम्बर, पीतम अम्बरम यस्य, पहले बुद्धि में बैठाना ही कठिन है बहुवरी समास, एक बार बैठ गया तो कोई बात नहीं, जैसे पटरी में बैठाना, पटरी में लगाना पड़ता है ना गाड़ी को, गाड़ी को उठाकर पटरी में रख दिया फिर चालू करो और क्या, कि नहीं, ट्रेन को उठाकर कहाँ लगते हैं, पटरी में, पटरी में रख दिया तो और कोई कठिन नहीं होती, स्टार्ट करो आगे बढ़ाओ। इसी बगैर बोबरी समाज को जो समझना थोड़ा कठिन होता है, एक बार समझ लो, ठीक है ना। तो बोबरी समाज में कौन सा पद होता है, प्रथमांत पद होता है, कहीं की अन्य पद भी होता है, मुख्य रूप से कौन सा पद होता है, प्रथमांत पद, ठीक है। और अन्य पद क्या होगा, तृतीयांत, तृतीयांत, ऐसा होगा कि नहीं होगा, इसको कहेंगे अन्य पद। अन्य पद का अर्थ क्या हुआ, हैं, प्रथमांत से अतिरिक्त पद, ऐसा लिख दो पहले, ठीक है, इसको कहेंगे अन्य पद, क्या कहेंगे, हाँ मतलब द्वितीयादि पद, द्वितीयादि पद हो गए भाई, उसका जो अर्थ है, उसका जो अर्थ है, उसको बोलेंगे अन्य पदार्थ, उसको कहेंगे अन्य पदार्थ, सुनते हो भाई, हाँ ऐसा अन्य पदार्थ में जो विद्यमान होगा है, ठीक है, उसको कहेंगे क्या कहेंगे, अनेकम, क्या कहेंगे, जो अनेक पद होगा, ठीक है भाई, वो किस अर्थ में विद्यमान हो, अन्य पद के अर्थ में, किस पद के अर्थ में, अन्य पद के अर्थ में, अन्य पद कौन हुआ, द्वितीयांत, तृतीयांत, चतुर्थ्यंत, पंचमंत, षष्ठ्यंत और सप्तमंत, कितने हुए, छह हो गए ना, है ना। उस अर्थ में विद्यमान होगा कौन, प्रथमांत पद, जिस पद को लेकर समास कर रहे हो, जैसे सुनो बताता हूँ, पीतम अम्बरम यस्य, ठीक है, जिसका अम्बर, अम्बर मतलब क्या है, वस्त्र,
जिसका वस्त्र पीत हो, पीला हो, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? पीताम्बर। ये पीताम्बर हो गया ना, ठीक है ना, पीताम्बर हो गया। ये हो गया अन्य पदार्थ। अन्य पद हो गया कौन मालूम है? षष्ठ्यंत। यस्य बोल रहे हो ना, यस्य। क्या कह रहे हैं? यस्य, यस्य पीताम अम्बरम यस्य। षष्ठ्यंत पद का अर्थ कौन होगा मालूम है? वो व्यक्ति हो गया, भगवान कृष्ण हो गए। उस अर्थ में विद्यमान हो गया कौन शब्द? दो शब्द, पीतम अम्बरम। पिता सु अम्बर सु लिखो बताता हूँ, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो कुछ पकड़ में नहीं आएगा। पीता सु अम्बर सु, हाँ ठीक है भाई, पीता सु अम्बर सु, सुनते हो भाई? हाँ, दोनों सु बनता है, प्रथमांत है, पीता सु अम्बर सु, दोनों सुबंत हो गए। इसको कहेंगे शेष, दोनों प्रथमांत हो गए, है ना। ये किस अर्थ में विद्यमान है मालूम है? षष्ठ्य, षष्ठी के अर्थ में। यस्य बोल रहे हो ना, यस्य जिसका, हाँ जिसका, है ना, पीता वस्त्र हो जिसका, किस अर्थ में विद्यमान हुआ? षष्ठी अर्थ में हुआ, हो गया। अन्य पदार्थ कौन है? षष्ठी का अर्थ। अन्य पदार्थ कौन? जो षष्ठी का अर्थ है। षष्ठी विभक्ति का अर्थ क्या हुआ? व्यक्ति, व्यक्ति कौन? भगवान कृष्ण। उस अर्थ में विद्यमान कौन हो गया? पीतसु अम्बरसु। तो पीतसु का समास हो जाएगा अम्बरसु के साथ, आ गया। तो क्या बनेगा? पीताम्बर। क्या बनेगा? पीताम्बर। समझ में आ गया कि नहीं आया? धीरे धीरे आएगा। इसको कहते षष्ठी का अर्थ, है कि नहीं? प्रथमा अर्थ में नहीं होता है। किस में नहीं होता है? प्रथमा अर्थ में नहीं होता है, ठीक है भाई। अच्छा, द्वितीय अर्थ ले लो, बताता हूँ। द्वितीय अर्थ ले लो, एक एक करके समझा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। हाँ, द्वितीय अर्थ ले लो, प्राप्तम उदकम यम, लिखो। प्राप्तम उदकम यम, सह प्राप्तोदकः, सह प्राप्तोदकः, ग्रामः। कौन? ग्राम। देखो, जल प्राप्त हुआ जिसको? जल प्राप्त हुआ जिसको? अरे बारिश हो गई भाई, गांव कहाँ पर बारिश हुई? गांव में। प्राप्तम उदकम यम, जल किसको प्राप्त किया? गांव को प्राप्त किया, सुनते हो, है ना। प्राप्तम उदकम यम, यत का द्वितीय एकवचन क्या बनेगा पुल्लिंग में? यम, है ना। ये हो गया लौकिक विग्रह, सुनते हो नारायण। लौकिक विग्रह क्या हुआ बोलो? प्राप्तम उदकम यम, सह प्राप्तोदकः। वह तो क्या होगा? अलौकिक। अलौकिक में तो कोई कठिन नहीं, प्राप्तसु उदकसु, इसमें प्रथमांत है। हाँ, इसमें तो प्रथमांत, प्राप्त किया ना, कौन प्राप्त किया? जल, जल। प्राप्त किसने किया? जल किया। जल किसको किया? गांव को किया, आए समझ में, है कि नहीं? तो यहाँ, हाँ, जो प्राप्ति, जो प्राप्ति रूपी जो क्रिया हुई ना, किसने की? जल ने की। तो कर्ता कौन? जल, जल उदक। उसमें क्या विभक्ति हुई? उसमें तो प्रथमा ही होगी, उसमें कोई अंतर नहीं है। आ गया सही हो, हैं? प्राप्तसु उदकसु, ये अलौकिक विग्रह हो जाएगा, है कि नहीं? तो समास क्या बनेगा? प्राप्तोदकः। क्या हो जाएगा? प्राप्तोदकः कौन? ग्राम हो गया। अन्य पदार्थ हो गया ग्राम। वो किस किस विभक्ति का अर्थ हुआ? द्वितीय विभक्ति का अर्थ हुआ। आ गया कि नहीं आया? पक्का? हाँ, देखो तृतीय अर्थ बताता हूँ। तृतीय अर्थ ले लो, हैं? तृतीय अर्थ कैसे आपको समझा देते हैं, हैं?
जैसे मान लो कि कोई लघु सिद्धांत कुमुदी पढ़ लिया, व्याकरण पढ़ लिया, अधितः व्याकरण येन, व्याकरण के ले लो और क्या, अधितः अधितम अधितम व्याकरणम येन हो गया, सह बोलो अधित व्याकरण, सुनते हो जी, येन सह अधित अधित व्याकरण हो जाएगा जी। क्या हुआ बोलो, अधितम व्याकरण येन सह अधित व्याकरण, घबराओ ना, जितना जब तक पक्का नहीं होगा तब तक समझते जाएंगे, है ना, और बार बार समझ में क्या आपत्ति है, कहाँ भागना है, एकदम स्पष्ट होना चाहिए बहुबरी, जल्दी समझ में नहीं आता बहुबरी है कि नहीं, क्या अर्थ है बोलो हिंदी में, जिसने व्याकरण पढ़ ली, जिसने कहने से क्या हुआ, तृतीयांत हुआ ना, करण हो गया, करण करण जिसने, हाँ हो गया, अथवा ऐसा भी होता है हाँ, कर्ता में भी तृतीय विभक्ति होती है, किसमें होती है, कर्ता में भी तृतीय हो जाती है ना, मतलब जिसके द्वारा पढ़ी गई व्याकरण, जिसके द्वारा पढ़ी गई, कर्तृकर्णयोश तृतीया होती कि नहीं होती है, कर्तृकर्णयोश तृतीया होती है, तृतीया का अर्थ कर्ता भी होता है, होता है अनुक्त यदि हो जाए, सुनते हो ठीक है, तो अधित सु व्याकरण सु क्या बन जाएगा, अधित व्याकरण आ गया समझ में कि नहीं आया, ठीक है, दूसरा देखो बताता हूँ, जैसे मान लीजिए संस्कृतम है जो है, संस्कृतम मनोयस्य ये ना संस्कृतम मनो ये ना है, जिसके द्वारा मन क्या हो गया, संस्कृत हो गया, शुद्ध हो गया, अतः शुद्ध अंतकरण ले लो, है ना, सुनते हो, हाँ संस्कृतम अंतकरणम है ना, ये ना, जिसके द्वारा अंतकरण संस्कृत किया गया, क्या होगा, संस्कृता अंतकरण, हाँ क्या होगा, ये ना हो जाएगा, यश भी होगा, कोई आपत्ति नहीं, षष्ठी करेंगे तब भी हो जाएगा, तृतीया करेंगे तब भी हो जाएगा, सुनते हो जी। है ना, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कहीं कहीं चतुर्थी भी हो जाएगी, जैसे चतुर्थी देख लो, उपहृत पशु हो यशमय, ठीक हो, उपहृत पशु हो यशमय, उपहृत पशु हो यशमयी, सह उपहृत पशु हो, सह उपहृत पशु हो, ठीक है, मतलब जिसके लिए, जिस देवता के लिए पशु दिया गया, जिस देवता के लिए क्या दिया गया, पशु दिया गया, चढ़ा गया, वो देवता का, देवता को क्या बोलेंगे, उपहृत पशु हो, उपहृत पशु हो, आ गया कि नहीं, ठीक है, चलो बोली वगैरह का नाम क्यों डाला, दूसरा ले लो, ठीक है ना, हाँ उपहृतम धनम यस्मै, जिस ब्राह्मण को, जिस महात्मा को क्या दिया गया, धन दिया गया, तो क्या हुआ, उपहृतम धनम यस्मै, सह उपहृत धन, क्या अर्थ हुआ, जिसके लिए क्या दिया गया, धन दिया गया, दक्षिणा दी गई, सुनते हो, उस ब्राह्मण आदि को क्या बोलेंगे, उपहृत धनहा, नहीं धनम नहीं, धनहा पुलिंग होगा, क्योंकि ब्राह्मण है ना, पुलिंग हो जाएगा, ये किस अर्थ में हुआ, चतुर्थी अर्थ में हुआ, सुनते होगी नहीं, हाँ जिसको दल, हाँ जिसको जल दिया गया क्या होगा,
दत्तम जलम यस्मै सह दत्त जल होगा, क्या अर्थ हुआ? मतलब जिसको जल दिया गया क्या होगा उसको क्या बोलेंगे? दत्त, दत्त शब्द क्या बनेगा? दत्त जल, जलम यस्मै, हो गया कि नहीं हो गया? आया समझ में? ऐसा होता है, ठीक है। दिस हाँ क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं। हाँ ठीक है भाई। जिसको ज्ञान दिया गया, जिसको ज्ञान, हाँ जी, ग्राम का दिया ना, प्राप्तम उदकम यम, हाँ सह प्राप्त उदक, द्वितीय का उदाहरण हो गया। सुनते भाई, चतुर्थी समझ में आया भाई? जिसको ज्ञान दिया गया, हाँ दत्तम ज्ञानम यस्मै सह दत्त ज्ञान, हाँ जिस शिष्य को क्या दिया गया? ज्ञान दिया गया, हो गया ना। क्या बनेगा शब्द? दत्त ज्ञान, हाँ सुनते हो लोक, हाँ लौकिक विग्रह क्या हुआ बोलो? लौकिक दत्तम ज्ञानम यस्मै, किस अर्थ में हो रहा है ये? चतुर्थी अर्थ में। अलौकिक, अलौकिक में तो समान है सर्वत्र, क्या हो अलौकिक बोलो, क्या होगा? ज्ञान सु दत्त सु ज्ञान, अलौकिक में कोई अंतर नहीं, आगे समझ में? लौकिक में अंतर, क्योंकि अलौकिक में सर्वत्र प्रथमांत है, प्रथमांत होने पर भी अन्य अर्थ में हो रहा है, अन्य पदार्थ, अन्य पदार्थ शब्द का क्या अर्थ हुआ? अन्य पदार्थ किसी, क्या अर्थ हुआ बोलो? अन्य पदार्थ मतलब क्या है बोलो? हाँ अन्य पद का अर्थ प्रथमा से अतिरिक्त पद, उसका जो अर्थ होगा उसी अर्थ में समास हो रहा है, आगे समझ में? हाँ जैसे अन्य पद का द्वितीय पद, कहीं तृतीय पद, कहीं चतुर्थी पद, कहीं पंचमी पद, कहीं षष्ठी, कहीं सप्तमी, हाँ उस पद के अर्थ में सुबंत पदों का क्या होगा? समास होगा। कौन सा समास? हाँ इसका नाम हो गया बहुव्रीहि। कौन सूत्र बोल रहा है ये? अनेक अन्य पदार्थ, ये जो है ना समझ में नहीं आता, इसलिए अन्य पदार्थ क्या चीज है सुना है कि नहीं? लोग तो बोल देते अन्य अनेक अन्य पदार्थ, इस सूत्र समास हुआ, लेकिन अन्य पदार्थ क्या चीज है उसको आपको समझना पड़ेगा, हो गया? तो तृतीय हो गई, कहीं कहीं पंचमी अर्थ में भी होगा। जैसे पंचमी अर्थ ले लो, है ना, जैसे मान लो कि चावल रखा है भाई, ओदन रखा है कहाँ पर? पात्र में रखा है, कहाँ पर रखा है? हाँ और पात्र से ओदन निकाला गया और क्या उदाहरण लिख लो, उद्धृतम उद्धृतम ओदनम यस्मात, पंचमी हो जाएगी, उद्धृतम उद्धृतम ओदनम यस्मात, हो गया यस्मात, तत् उद्धृतो उद्धृतो दनम, नपुंसक होगा, उद्धृतो धनम औदनम हो जाएगा, उद्धृतौ धनम, उद्धृत का अ आगे ओदन का ओ वृद्धि हो जाएगी ना, हैं क्या बनेगा? उद्धृतौ धनम किम किम पात्रम, क्या अर्थ हुआ? जिस पात्र से चावल निकाला गया, चावल रखा था पात्र में उसे निकाला गया, उस पात्र को क्या बोलेंगे? उद्धृतौ धनम, आए समझ में? हाँ लौकिक बोलो, लौकिक भी लौकिक बोल रहा हूँ भाई, लौकिक और अलौकिक में फर्क है ना, जानते हैं ना, लौकिक बोलिए, यस्मात, क्यों घबरा रहे हैं? हाँ क्या बोलो फिर बोलो, तो तुम बोलो यस्मात, कौन सा विग्रह हुआ है? लौकिक,
लौकिक या अलौकिक? हाँ, अलौकिक क्या होगा? ओदनसु हो गया। हाँ, आप कहीं थाली में स्थाली शब्द स्त्रीलिंग में होता है, अब पात्र शब्द नपुंसक में होता है। यदि स्थाली से निकला हो तो क्या बोलेंगे? स्त्रीलिंग हो जाएगा, उद्धृत उदना ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे चषक, चषक चषक का मतलब क्या जानते हैं? ग्लास को बोलते हैं चषक, है ग्लास में दूध रखा है और दूध निकाला है, क्या बोलेंगे? उद्धृत दुग्धम। जब नपुंसक गया तो उद्धृत को क्यों पुल्लिंग बोल रहे हो? उद्धृतम दुग्धम यस्मात् सह उद्धृत दुग्धः कह चषक, मतलब क्या अर्थ हुआ? इस चषक से, ग्लास से क्या निकाला है? दूध निकाला गया है। भाई दूध भरा है कि नहीं? और देख लिया खाली है, अरे देखो खाली है, दूध निकाला है इसी से और पानी डाल दिया हो समझ गया ना वो पानी पानी दूध को देख करके ये किस अर्थ में हुआ बोलो? पंचमी अर्थ में हुआ। किस अर्थ में हुआ? पंचमी अर्थ में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कौन सा अर्थ है? षष्ठी। षष्ठी तो आप लोगों को बता दिया, क्या बता दिया? पीताम्बर पीतम अम्बरम यस्य सह पीताम्बर। सुनते हो? हाँ, जिसका अंतःकरण शुद्ध है क्या बोलेंगे उसको? जिस व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध है, फिर देखो उल्टा पुल्टा बोलता है। अरे अंतःकरण जब नपुंसक है तो शुद्ध भी नपुंसक होगा ना, इतना। हाँ, यस्य सह शुद्धा अंतःकरण। हाँ, शुद्धा अंतःकरण हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, हाँ इसी प्रकार समझ लो। जैसे और भी ले लो, इसी प्रकार और भी है। संस्कृतम चित्तम यस्य सह संस्कृत चित्त। सुनते हो? ठीक है। अब कोई मान लीजिए ब्राह्मण शरीर वाला है, क्या होगा बोलो? ये व्यक्ति ब्राह्मण शरीर है, मतलब क्या होगा? है ना, ब्राह्मणम शरीरम यस्य सह ब्राह्मण शरीर। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, सुनते हो कि नहीं? ऐसा हो जाएगा, हाँ ब्राह्मण शरीर हो जाएगा, सुनते हो ना? ऐसा ले लो। षष्ठी सप्तमी ले लो, थोड़ा सा सप्तमी ले लो। तो सप्तमी इसी प्रकार होता है, जैसे भी देख लो, है ना? जैसे मान लो सप्तमी का अर्थ जिस गांव में वीर पुरुष है, वीराहा पुरुषाहा यस्विन सह वीर पुरुष। हो जाएगा बोलो? यस्विन सह वीर पुरुष, वीर पुरुष क्या अर्थ हुआ? जिस गांव में वीर पुरुष हो, क्या हो? वीर पुरुष हो, समझ में आया? ठीक है ना, ऐसा होता है। और जहां पर मान लो विरक्त पुरुष हो, जिस आश्रम में, क्या है बोलो? बोलो लौकिक वीर पुरुष। हाँ बोलिए, ठीक बोलिए। यस्मिन कुत्र आश्रम में, यस्मिन कहने से आश्रम में, हाँ फिर बोलो लौकिक विरक्ताहा पुरुषाहा यस्मिन आश्रम में, वो आश्रम क्या बोलेंगे? विरक्त पुरुष। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आया, सुनते हो ना?
ऐसे इसी प्रकार हो जाएगा हो गया ना। इसी प्रकार ले लो जहां पर उत्तम साधक है, उत्तम साधक, हाँ, जिस नगरी में उत्तम साधक हो, क्या बोले, हाँ, उत्तम साधका यस्याम, स्त्रीलिंग नगरी है ना, है कि नहीं, उत्तम साधका स्त्रीलिंग हो जाएगा, आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, ऐसा होता है। और जहां पर धनी पुरुष है, जिस नगरी में, जिस बात, जिस शहर में, जिस शहर में, जिस नगर में है ना, तो जिस नगर में क्या है, धनी पुरुष है, जैसे मुंबई हो गया, मुंबई नगर, वहां पे बड़े बड़े धनवान है, हैं, तो क्या होगा बोलो, धनी ना हा? नहीं, धनी ना हा, जना हा, यस्मिन नगरे तद नगरम, क्या होगा, धनी जनम, धनी पुरुष, ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा, बड़े बड़े धनवान है वहां पर, ठीक है ना ये सप्तमी हो गए, कहाँ से कहाँ तक हुए भाई, बोलो, द्वितीय से लेकर के सप्तमी, यही यहाँ पर सूत्रों में कह रहे हैं, देखो, ठीक है, अब समझ में आएगा। अनेक मन्य पदार्थे, बोलो, अनेक मन्य पदार्थे, वृत्ति देखिए, अनेकम प्रथमांतम, अनेकम प्रथमांतम, अन्यस्य पदस्य अर्थे, अन्यस्य पदस्य अर्थे, वर्तमानम, वर्तमानम, वा समस्यते, वा समस्यते, स बहुव्रीहि, स बहुव्रीहि, बोलो, अनेकम प्रथमांतम, अन्यस्य पदस्य अर्थे, वर्तमानम, वा समस्यते, स बहुव्रीहि, अर्थ लिख लो, सरल है अभी। अन्य पद के अर्थ में विद्यमान, अन्य पद के अर्थ में विद्यमान, अर्थात अर्थात द्वितीयादि पद के अर्थ में, द्वितीयादि पद के अर्थ में विद्यमान, विद्यमान अर्थात रहने वाला, रहने वाला, रहने वाला, हाँ, बोध कराने वाला, बोध कराने वाले, लिखो बहुवचन, बोध कराने वाले, बोध कराने वाले, वाले, अनेक प्रथमांत सुवंत का, अनेक अनेक प्रथमांत सुवंत का विकल्प से बहुव्रीहि समास हो, बहुव्रीहि समास हो, है ना, जैसे जैसे पीताम्बर इत्यादि, जैसे पीताम्बर इत्यादि, ठीक है ना, हाँ, लिखो, पीतसु अम्बरसु, देश आगे लिखो स्पष्ट, पीतसु अम्बरसु, दोनों प्रथमांत है, अनेक पद हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, कौन कौन, पीतसु अम्बरसु, पीत समझ में आ रहा है, पीत मतलब क्या है, पीला, पीत रूप, दोनों सुबंत है, अनेक पद है, है ना, तो ये जो दोनों सुबंत है किस अर्थ में है, बोलो, षष्ठी अर्थ में, यस्य कह दिया ना, अन्य पद हो गया षष्ठी अंत पद, यस्य बोल रहे ना, उसका अर्थ, उसी अर्थ को बोध करा रहा है, कौन, भगवान कृष्ण है कि नहीं, उसी अर्थ को बोध करा रहा है कि नहीं, कौन, पीताम्बर, आगे समझ में, तो अन्य पद का अर्थ हुआ षष्ठी का अर्थ, उस अर्थ में विद्यमान है कौन, पीतसु अम्बरसु, इसलिए पीतसु और अम्बरसु में क्या समास होगा, समास हो जाएगा, आ गया समझ में, इस प्रकार द्वितीय को ले लो, तृतीय को ले लो, सभी विभक्ति को ले लो, किसको छोड़ करके, प्रथम, हाँ आगे आएगा वो, नीलकंठ आगे बताएंगे, है ना, ठीक है।
कितना आया? जी। तो फिर समास का ले लो, है ना। तो नीला सो, नीला बोल दिया, पीता सो, अंबर सो, यहाँ पर समास हो रहा है। कौन सा समास बोलो? बहुव्रीही। किस सूत्र से समास हो रहा है? अनेका बनने पर धारण। हाँ, ये सूत्र बहुव्रीही है, कैसे पता लगा बोलो? हाँ, शेषो बहुव्रीही के अधिकार में है। अब प्रथमांत में बहुव्रीही होता है, कैसे पता लगा? कहीं कहा क्या बोलो? शेषः पद कह दिया ना, शेषः मतलब जो बच गया। कौन बच गया है? प्रथमांत बचा है। आ गया समझ में? अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन पीतसु अम्बरसु, ठीक है, पीतसु, हाँ, उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी? हाँ, कौन पूर्व में होगा ये तो नहीं कहा गया। पूर्व निपात किसका होगा, पीतसु का होगा कि अम्बरसु का होगा, ये तो नहीं कहा गया है। तो पूर्व निपात करने के लिए, क्या करने के लिए? पूर्व निपात करने के लिए पूर्व में कौन सा पद प्रयोग होगा, किस पद का, इसका निरूपण करने के लिए अगला सूत्र है। सुनते हो ना? हाँ, लिख लो। बहुव्रीही समास में पूर्व पद का निरूपण करने वाला पूर्व पद के प्रयोग का, ऐसा लिखो, पूर्व पद के प्रयोग का निरूपण करने वाला अगला सूत्र आ रहा है। अगला सूत्र आ रहा है, ठीक है। जैसे देखो, सप्तमी विशेषण बहुव्रीहो, सप्तमी विशेषण बहुव्रीहो, फिर बोलो, सप्तमी विशेषण बहुव्रीहो। सूत्र में दो पद है भी, है सप्तमी विशेषण, प्रथमा का द्विवचन है, प्रथमा का द्विवचन, ठीक है भाई, है सप्तमी, सप्तमी च विशेषणम च, इति सप्तमी विशेषण, क्या समास हुआ? द्वंद समास होगा, आगे आएगा, ठीक है। सप्तमी का तो सप्तम अंत पद, सप्तमी द्विवचन, हाँ वो आगे तो बहुव्रीहो, बहुव्रीहो कहने से बहुव्रीही समास में सप्तमी एक वचन, बहुव्रीही समास में, जैसे हरि का हरौ, बहुव्रीही का बहुव्रीहो, सप्तमी एक वचन, ठीक है। सप्तमी का अर्थ क्या हुआ? सप्तमंत सुबंत, ठीक है भाई। हाँ, तो उपसर्जनम पूर्वम से पूर्वम की अनुवृत्ति आ जाएगी, है ना। जब क्या होगा अर्थ? सप्तमंतम विशेषणम च, बोलो, सप्तमंतम विशेषणम च, बहुव्रीहो पूर्वम स्यात्, बहुव्रीहो पूर्वम स्यात्, बोलो, सप्तमंतम विशेषणम च, बहुव्रीहो पूर्वम स्यात्। बहुव्रीही समास में सप्तमंत पद का अथवा विशेषण वाचक सुबंत का, ठीक है ना, लिखो। बहुव्रीही समास में सप्तमंत सुबंत का, और विशेषण वाचक सुबंत का, विशेषण वाचक सुबंत का पूर्व निपात हो, पूर्व निपात हो, अर्थात पूर्व में प्रयुक्त हो, अर्थात पूर्व में प्रयुक्त हो, जैसे पीतसु अम्बरसु, जैसे पीतसु अम्बरसु, है जी। दोनों में सप्तमंत कौन है, कोई है क्या? नहीं, नहीं है ना। लेकिन विशेषण कौन है? पीत, है वस्त्र हो गया ना अम्बर, उसका विशेषण कौन है? पीत। इसलिए पीतसु विशेषण वाचक सुबंत होने से उसका पूर्व में प्रयोग होगा, अम्बर का नहीं होगा। अम्बर तो विशेष है, पीला वस्त्र कह रहे हो ना, अब पीता क्या है? विशेषण है, किसका विशेषण? अम्बर का। इले पीतसु का पूर्व में होगा, अम्बर सु का नहीं होगा, ऐसा समझ में अभी?
और सप्तमंत्र का उदाहरण देंगे, कंठे काल ये देंगे दिया जाएगा, इसके ऊपर विचार हम लोग कल करेंगे। ओम नृत्तावसाने नटराज राजो ननादढक्काम नव पञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धा नेतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। ओम शांति शांति शांति।